Assalamualaikum, this is Shifa Yousafzai and I am reporting right from Islamabad F9 Park, जिसकी तरफ हम गामजन हैं और हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हैं जी मैरीटाइम के अली जैदी साहब और PTI की कॉल थी कि सारे लोगों ने एहतजाज के लिए संडे को इशा के बाद पूरा मन एहतजाज के लिए निकलना है तो इनसे हम जानते हैं कि इनका मोराल कैसे है इस वक्त। जी अस्सलामुअलैकुम जैदी साहब, ये बताएं सबसे पहले कि मोराल कैसा है आप लोगों का? ये आप देखें पूरी दुनिया अपने बाहर आ गई है रोडों पे और कराची में भी यही हाल है, सक्कर में भी यही हाल है, लाड़काना में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है, नवाबशाह में, लाहौर में मैसिव रैलीज है, पूरे पाकिस्तान में लोग रोडों पे आ चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी कौम ने ये जो साजिश हुई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ला के लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको रिजेक्ट कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ना समझें कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा रोज, ये तो इतना बढ़ जाएगा कि ये कर ही नहीं सकते हुकूमत। और सबसे जो तमाशे की बात वो आज देखने की थी वो क्या थी, लो जी वो रोड पे घसीटने निकले थे आसिफ जरदारी को, वो क्या नाम है उनका, वो उसके यार मखसूद चपरासी के मामू का क्या नाम है, शहबाज शरीफ, वो रोड पे निकले थे घसीटने बेबी बिलावल के वालिद को जो बेम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचा था। आज उसके जी वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं बाप और बेटा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वहां अब बोलना चाहिए ना कोई शर्म होती कोई हया होती है, लेकिन ना शर्म है ना हया है, ये बेगैरतों का टोला है। इन्होंने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का पहले भी किया, ये दोबारा समझते हैं कि कर सकते हैं, ये नहीं चलेगी हुकूमत इनकी इंशाल्लाह। और बहुत करीब है, बहुत करीब है कि फिर इमरान खान इंशाल्लाह ओथ ले रहे होंगे वजीर आजम। बिल्कुल ठीक है, देख सकते हैं मेरे पीछे के आवाम का एक जम्मे गफीर है जो इमरान खान के यहाँ ना होने के बावजूद इमरान खान की कॉल पे F9 पार्क इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं लोग, और एक बड़ी तादाद है जिसमें आपको खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग ये भी मिलते हैं। मर्द तो निकलते ही थे हमेशा हमने देखा सियासी जलसों में, लेकिन यहाँ पर खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी निकल के उन्होंने दिखाया है नारे लगा रहे हैं कि दे आर सपोर्टिंग इमरान खान नो मैटर वॉट। तो ये सारा सिलसिला है, आगे तक मैं इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और कहा ये जा रहा है कि असद उल्लाह साहब की तकरीर यहाँ पर हो गई है, अली जैदी साहब अभी वहाँ पर कंटेनर पर चढ़े हैं और तकरीर करेंगे, फैसल जावेद यहाँ पर आए हुए हैं और ये सब सिलसिला है। और असद उल्लाह साहब जो है उन्होंने अपनी तकरीर कर ली है और अभी आप देखें कि ये सिलसिला है, सारे लोग आए हुए हैं। दिस इज़ आउट इज़